स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 इफ देयर एलसीएम इज 180 देन द नंबर हमने किसी रेशियो को मान के चलते हैं कि यहाँ पर मैं इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ और इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूँ तो बहुत सिंपल वे में इसका क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर आपने लिखा एलसीएम इज इक्वल टू 180 देन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई एक्स 180। यदि आप इसके साथ भी एक्स लगा दें 4 के साथ एक्स लगा देंगे तो इस स्क्वायर बन जाएगा, फिर आपको 15 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो काम आपके लिए टफ हो सकता है। यहाँ पर 3 × 4 = 12 एक्स हो गया और यहाँ 180 देन एक्स 180/12 12 × 12 और 12 × 5 = 60 यहाँ से 6 बचा। आप देख ले साफ साफ x इज इक्वल टू 180/12 12 × 12 8 से 2 गया 6 आएगा 0 लिया 12 × 5 = 60 x की वैल्यू कितनी आई थी 15। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर देन 3x इज इक्वल टू 3 × 15 3 = 45 और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट नंबर है 4x 4 × 15 इज इक्वल टू 60। ठीक है अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें 6 × 0 = 0 6 × 5 = 30 24 × 27 आपके पास इनका ये जो नंबर है इनके नंबर्स इस तरह से आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3 6 years हेंस देयर एज विल बी इन द रेशियो 9:4 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है लेट द एज ऑफ ए इज इक्वल टू 8x द एज ऑफ बी इज इक्वल टू 3x ईयर्स। ठीक है ना 6 years हेंस 6 years हेंस ए विल बी इक्वल टू कितना 8x प्लस 6 ईयर्स 6 years हेंस बी विल बी इज इक्वल टू 3x प्लस 6 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 years हेंस देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ इनका जो रेशियो बना है 8x प्लस 6 3x प्लस 6 9:4 4×8 = 32 x प्लस 4×6 = 24 9×3 = 27 x 9×6 = 54 32x माइनस 27 x 54 माइनस 24 12 से 7 गया यहां पर कितना आएगा 5x 0 एंड 5 से 2 गया x इज इक्वल टू कितना हो गया 30/5 इज इक्वल टू 6। अब आपको a की एज जाननी है तो एज इज इक्वल टू 8x देन 8 × 6 48 ईयर्स राइट। बीज एज इज इक्वल टू 3x देन 3×6 3×6 = 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले 14 और 15 को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय 9:5 इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 48.6 ग्राम फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अलॉय। आपको परसेंटेज दिया रेशियोज दिया हुआ है यहाँ पर और कॉपर का वेट दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि जिंक का क्या वेट होगा। तो सबसे पहले आप इसको लेट करते हैं
और लेट करें तो लेट द वेट ऑफ जिंक कॉपर सॉरी कॉपर इक्वल टू कितना यहां पर हो गया 9x, ठीक है ना 9x। और 9x की वैल्यू देखें, बहुत सिंपल सा है आपको बता रहे मेथड, 9x की जो वैल्यू है वह इससे मैच कर रही है, क्योंकि कह रहा है कि 48.6 ग्राम हो रहा है कॉपर का वेट, और यहां कॉपर ये है तो 9x के इक्वल ये हो गया। तो क्या करिएगा, x इज इक्वल टू 48.6 अपॉन 9, ठीक है ना, 9 5 जा 45, 3 आपका रिमाइंडर होता है, आप पॉइंट लेकर के 6 9 4 जा, x इज इक्वल टू 5.4 हो गया। अब आपको जिंक की बात करनी है, तो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक है यहां पर 5 मल्टीपल बाय x, ठीक है ना, इसको हम 9x करेंगे, उसको हम 5x करेंगे। यहां पर द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 5x, ठीक है, 5x करा तो 5 इंटू 5.4 ग्राम हो जाएगा 20 and 25 to 27, जो वहां पर जिंक का वेट आएगा वो कितना होगा 27 ग्राम होगा, ठीक है। कॉपर का वेट यदि आपको दिया है और जिंक का पूछ रहा है, तो आप बहुत सिंपली इसको 9x लेट कर ले, इसको 5x लेट कर ले, 9x के इक्वल आपको वेट दिया हुआ है, आप x की जानने के लिए इसे डिवाइड कर ले, आपके पास कॉपर का आ जाएगा, जिंक का जानने के लिए 5x, x की वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ बॉय गर्ल इन स्कूल 8:3, टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज 375। यहां पर सबसे पहले आप लिखें लेट बॉयज बी इक्वल टू 8x, गर्ल्स बी इक्वल टू कितना हो गया 3x, ये तो आपने कर ही लिया। अब देखिए 3x की जो वैल्यू है 375 के इक्वल है, ये मानते हैं, तो x इज इक्वल टू 375 अपॉन 3 बन जा, एंड ये नंबर आ गया 125, x की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे बहुत इजी वे में नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 8x, देन 8 into 125, 8 5 जा 40, 16 4 20, 8 1 जा 8 2 10, जो नंबर ऑफ बॉयज होगा वो कितने होंगे 1000 होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको इसको समझाया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा। आइए इससे पहले कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और 19 पर चलेंगे। स्टूडेंट यहां पर एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग, आपके पास मंथली इनकम 11 और जो सेविंग है वो 2 है। If the saving 2500, find the income and expenditure. यहां पर क्वेश्चन में आप लिख दे let the income be is equal to rupees 11x, sorry खाली 11x लिखेंगे 11x, और saving 2, सेविंग इज इक्वल टू 2x। हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको जो 11 रुपीस अर्न करता है, कमाता है, और 2 रुपीस उसमें से वो सेव कर लेता है, बाकी के 9 रुपीस क्या करता है वो बेच देता होगा ना अपना, सॉरी खर्च कर देता होगा। तो यहाँ पर 11x और 2x आ गया, अब क्या कीजिएगा, और यहाँ पर कह रहा है सेविंग, सेविंग क्या है 2x है। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, 2x, और 2x की जो वैल्यू है वो 2500 के इक्वल है, देन x इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 हो गया।
x is equal to then 1250, ये हो गया। अब आपके पास इनकम, यहां पर कह रहा है कि इनकम बताओ और एक्सपेंडिचर बताओ, तो इनकम इज इक्वल टू 11x 11 मल्टीपल बाई 2 1250, 11 0 0 11 5 55 कैरी 5 22 5 27 कैरी 2 11 11 2 13। ये जो 13,750 उसका इनकम हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकम भी है और यहाँ पर सेविंग भी आ गई। सेविंग कितना है 25। सेविंग इज इक्वल टू ₹2500। आपसे कह रहा है एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया होगा, अपनी इनकम से सेविंग को निकालेगा। तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इनकम कितना था, इनकम हुआ 13,750, उसमें से 2,500 निकाल दिया, उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 0 5 माइनस 0 7 माइनस 5 2 3 माइनस 2 1 1। जो उसने खर्च किया वो कितना खर्च कर दिया, 11,250 रुपीस उसने खर्च कर दिया। क्वेश्चन है 19 नंबर, अ बैग कंटेंट 750 रुपीस। एक बैग है जिसके अंदर 750 रुपीस है। कुछ 1 रुपी के क्वाइन है, कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 20 के। उनका रेशियो 5:8:4 दिया हुआ है। आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइन इज इक्वल टू 5x, देन 50 पैसा क्वाइन इज इक्वल टू रुपीस कितना हो गया यहां पर, देन 8x, और यहां पर कितना हो गया 25 पैसे क्वाइन कितना हो गया 4x। देखिए 1 रुपीस की वैल्यू तो रुपीस में 1 रुपी है, यहां पर 50 पैसे का क्वाइन है, और ये जो दिया हुआ है नंबर नहीं दिया हुआ है क्वाइन का। अगर क्वाइन के नंबर दिए होते तो हम यहां से प्लस कर लेते, पर यहां पर क्या है ये 1 रुपी क्वाइन है, ये इतना ही रहेगा प्लस 50 पैसे क्वाइन को आप 100 से डिवाइड कर दो, एक्स हो जाएगा, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। 25 को भी 100 से कर दो, ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया, और अब रुपीज कितना आया 750। एक्स प्लस 0.5 प्लस 0.25, और यहां पर एक्स कॉमन कर लिया, ठीक है ना, 25x के लिए यहां पर। अब मल्टीप्लाई करो 50 पैसे क्वाइंस का कितना जाएगा। एक काम और करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में, यहां पर इसको भी हटा दें और हम साथ साथ करें तो और बेहतर होगा, क्वेश्चन थोड़ा मेरा छोटा हो जाएगा। 50 पैसे क्वाइन कितना यहां पर 8x, तो यहां पर आपके पास 1 रुपी क्वाइन 5x प्लस 8x इंटू 50/100 कर लो, ठीक है ना, ये समझ में आएगा आपके। अब यहां पर हो गया 4x मल्टीपल बाई 25/100, और कितना आ गया 750। देखिए 5x यहां से आप इसको 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8x, 4 से डिवाइड करें तो 25 हो जाएगा, 25 को 25 से डिवाइड करें तो x हो जाएगा 750 आएगा, ठीक। 5 4 9 9 1 10x इज इक्वल टू 750। सेविंग 50/10 0 0 से कैंसिल हो गया 75। अब यहां पर रुपीज 1 रुपी क्वाइन 5x इज इक्वल टू 75 × 5 5 5 = 25 35 to 37 8x 75 × 8 8 5 = 40 carry 4
600 क्वाइंस होंगे। 4x 75 मल्टीपल बाई 4 20 28 to 30, ठीक है। इतनी क्वाइंस जो होंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 रुपी के 375 क्वाइन होंगे, 50 पैसे के 600 क्वाइंस होंगे, 25 पैसे के 230 क्वाइंस होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप कॉपी कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 14 से 20 तक किया। ये क्वेश्चन 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 4x + 5 3 ratio 3x + 11। तो आपने क्वेश्चन में दिया कि 4x + 5 = 3x + 11, जिनका रिजल्ट आ रहा है 13 ratio 17, 13:17 में आया। यहाँ पर बेटा 4x + 5 3x + 11 13/17 की मल्टीप्लाई 4x + 5, 13 की मल्टीप्लाई 3x + 11, 17 × 5 = 85, 39x + 11 = 33, कैरी 3, 11 × 11 = 14, राइट। 68x इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड 143 - 85, 18 - 9 हो जाएगा, 5 - 3 = 29x होगा, 13 - 5 = 8, एंड 13 - 8 = 5, देन x = 58/29, 2 जा एक्स की वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। आप अपने आंसर में लिख दें द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन को बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताने की कोशिश की गई, क्वेश्चन को समझें और करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।